Zombie Apocalypse. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एसके गेमिंग जोन। सो गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर भाई हम बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले अपने बिल्कुल न्यू OB27 के अपडेट के बारे में। इस वाले वीडियो के अंदर गाइस मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं अपना ट्रेनिंग ग्राउंड का न्यू मैप, साथ ही में गाइस आपको दिखाऊंगा अपना न्यू पेट, अपना न्यू कैरेक्टर एंड अपनी न्यू गन्स। मतलब गाइस इस वाले अपडेट के अंदर जो जो नई नई चीजें आने वाली है सारी की सारी चीजें गाइस इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, प्लीज इसको एंड तक देखते रहना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर सेट कर दो, क्योंकि यार हम आपके लिए अपने फ्री फायर गेम से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली लेके आते रहते हैं। एंड यस गाइस यार आपको पता है भाई अभी तो मैं दिन में तीन तीन वीडियोस डाल रहा हूं, मतलब दिन में मैं एक वीडियो सुबह डाल रहा हूं, एक वीडियो शाम को डाल रहा हूं, एंड दिन में भाई मैं दो तीन घंटे की एडवांस सर्वर की लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। सो गाइस आपको हर न्यू इवेंट एंड अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसी वाले चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। चलो गाइस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहां पे हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू पेट से। तो यहां पे जो अपना न्यू पेट आ रहा है उसका नाम है गाइस यहां पे मूनी, एंड ये गाइस मतलब बिल्कुल एलियन टाइप का पेट है। अभी बहुत सारे बंदे इसको रिलेट कर रहे हैं कि जैसे पहले अपना जैक कैरेक्टर आया, मतलब ऋतिक रोशन कैरेक्टर, एंड उन्हीं की एक मूवी है कोई मिल गया, उसके अंदर भाई एक एलियन है जिसका नाम है जादू। तो ऐसा बता रहे हैं कि भाई ये जो मूनी है, ये जो मतलब एलियन पेट है, ये उसके लिए लाया गया है, लेकिन मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ लोग भाई ऐसे कनेक्शन बना के मजे ले रहे हैं। तो गाइस देखो ये अपना न्यू पेट है मूनी, जो अभी मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये वाला पेट भाई देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया दिखता है, एंड इसकी जो एबिलिटी है वो भी गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी एबिलिटी भी बहुत ही खास है। इसकी एबिलिटी गाइस कुछ इस टाइप की है कि मान लो अगर आप मेड किट लगा रहे हो या फिर अगर आप रिपेयर किट लगा रहे हो एंड कोई एनिमी आके अगर आपके ऊपर गोली चलाता है तो उसका जो डैमेज है वो 40% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो जो आपको डैमेज देगा वो आपको 40% कम लगेगा। सो गाइस इस टाइप की इसकी एबिलिटी है। एंड अगर आप भाई खुले में हील करते हो, अगर आपको मतलब अगर आपके पास ग्लूवल वगैरह नहीं है, अगर आप खुले में हील कर रहे हो तो आपके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो एनिमी आपको डैमेज देगा वो भाई 40% कम होके आएगा, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी मेडिकेट लग जाएगी तब तक। सो गाइस आपको ये पेट एंड इसकी एबिलिटी कैसी लगी आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। अभी गाइस हम बात कर लेते हैं अपने गेम के अंदर आने वाले सारे के सारे न्यू कैरेक्टर्स के बारे में। सो गाइस इस वाले अपडेट के अंदर आपको एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे तीन न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से गाइस एक मेल कैरेक्टर होगा, एक फीमेल कैरेक्टर होगा एंड एक अवेकनिंग कैरेक्टर होगा जो कि होगा अपना इलाइट एंड्रयू। तो गाइस यार शुरू से शुरू करते हैं। एंड यहां पे जो अपना पहला फीमेल कैरेक्टर है इसका नाम है जेन, एंड गाइस यहां पे इसकी एबिलिटी कुछ इस टाइप से है कि अगर आपने इसको मैक्स लेवल पे कर रखा है तो जैसे आप इसकी स्किल को एक्टिवेट करोगे तो यहां पे आपको 100 HP मिलेगी टेम्परेली, मतलब जैसे आप इसकी स्किल को एक्टिवेट करोगे तो आपकी अगर हेल्थ कम है तो आपकी 100 HP बढ़ जाएगी। एंड गाइस वो HP धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, मतलब वो HP है ना आपको बस कुछ सेकंड्स के लिए मिलेगी। एंड गाइस यही नहीं, जैसे आप भाई किसी बंदे के ऊपर डैमेज देते हो, अगर मान लो उसने क्रोनो लगा लिया और उसकी जो क्रोनो की शील्ड है उसके ऊपर भी गाइस आपका जो डैमेज है वो 80% ज्यादा हो जाएगा। मतलब गाइस एक तो भाई क्रोनो का जो कूल डाउन टाइम है वो इन लोगों ने पहले से बढ़ा दिया है, 170 सेकंड्स कर दिया है। ऊपर से गाइस यहां पे एक ऐसा कैरेक्टर ला दिया जिसको अगर आप यूज करके जाओगे एंड सामने कोई क्रोनो वाला बंदा आएगा तो आप उसकी शील्ड को ऐसे सेकंड्स में तोड़ दोगे बिल्कुल। एंड गाइस यहां पे क्रोनो की शील्ड के साथ साथ जो इसकी एबिलिटी है वो भाई ग्लूवल्स के ऊपर भी काम करती है, मतलब ग्लूवल्स के ऊपर भी जो आपका डैमेज है वो 80% ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहां पे जो अपना दूसरा कैरेक्टर है ये गाइस एक इलाइट कैरेक्टर है, एंड ये है गाइस यहां पे अपना इलाइट एंड्रयू। अभी गाइस इसकी क्या एबिलिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस यहां पे जो अपना इलाइट एंड्रयू है उसको अगर आप मतलब 6 लेवल पे कर लोगे तो गाइस यहां पे आपकी जो वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी का लॉस होता है वो गाइस 2% कम हो जाएगा, मतलब गाइस आपकी वेस्ट ज्यादा जल्दी नहीं टूटेगी। एंड गाइस जो आपका आर्मर डैमेज रिडक्शन है वो गाइस 8% तक बूस्ट हो जाएगा, एंड यहां पे अगर आप इसको 6 लेवल पे कर लोगे तो भाई ये 14% तक बूस्ट हो जाएगा इसका आर्मर डैमेज रिडक्शन। सो गाइस ये था भाई अपना इलाइट एंड्रयू। इसके बाद गाइस यहां पे अपना एक और कैरेक्टर आया है जो कि गाइस अभी इसके अंदर मिस्ट्री कैरेक्टर के नाम से है, बट गाइस ये अपना MR1 कैरेक्टर होने वाला है, जैसा मैंने इसके बारे में एक पहले भी वीडियो बनाई थी। इसकी एबिलिटी गाइस किस टाइप से है वो भी आपको बता ही देता हूं। सो गाइस इसकी एबिलिटी कुछ इस टाइप से है कि भाई यहां पे आपका जो एनिमी है वो अगर आपसे दूर जाता जा रहा है, अगर आपकी और एनिमी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है तो आपका जो डैमेज है वो 5% इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस ये थे भाई अपने तीनों के तीनों कैरेक्टर्स। आपको ये तीनों कैरेक्टर्स एंड इनकी एबिलिटीज कैसे लगी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। इसके बाद गाइस यहां पे अभी मैं आपको दिखा देता हूं अपनी न्यू गन। तो यहां पे जो अपनी न्यू गन है वो गाइस ये वाली गन है, इसका नाम है कोल्ड। एंड गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो ये एक मशीन गन है, पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये एक स्नाइपर होगी बट ये स्नाइपर नहीं है, ये एक मशीन गन है जैसे अपनी M60 है उस टाइप से। एंड गाइस यहां पे इसकी खास बात ये है कि जैसे आप इसको खड़े होकर चलाओगे तो गाइस ये एक मतलब एक टाइप से आपकी जो मशीन गन है उसी टाइप से काम करेगी, लेकिन जब आप इसको बैठ के चलाओगे मतलब क्राउच करके चलाओगे तो गाइस यहां पे इसके जो स्टैंड्स निकल आते हैं नीचे से, एंड फिर ये एक टाइप से मतलब शॉटगन टाइप से चलती है। मतलब गाइस एक अलग टाइप की खतरनाक वाली गन होने वाली है, एंड जो इसके भाई हेडशॉट तो भाई क्या ही कहना
इसके बारे में, मतलब बहुत ही तगड़े तगड़े हेडशॉट्स लग रहे थे। मैंने इसको एडवांस सर्वर के अंदर ट्राई करके देखा था। इसके अलावा गाइस यहां पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आई गए हैं, तो यहां पे आपको दिखा देते हैं भाई। यहां पे अपना जो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक बिल्कुल न्यू बॉक्सिंग रिंग ऐड हुई है, जिधर पे आप लोग मतलब फिस्ट फाइट कर सकते हो एंड अपना जो फिस्ट का प्रैक्टिस है वो आप और भी ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। इधर पे आप जो है ना अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर से किसी भी बंदे को आप लोग मतलब ऐसे चैलेंज कर सकते हो फिस्ट फाइट करने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए, एंड इस वाली रिंग के अंदर आप लोग उसके साथ बॉक्सिंग कर सकते हो। एंड उसके अंदर आपको मतलब प्रॉपर ये भी पता चलेगा कि भाई आपने कितना स्कोर किया, आप जीते या नहीं जीते, पूरा इसके अंदर गाइस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर कुछ फनी चीजें ऐड हुई हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, इधर पे एक टॉयलेट सीट ऐड करी गई है जिसके ऊपर हम लोग लिटरली भाई बैठ सकते हैं, इस वाली सीट के ऊपर हम लोग। तो ये देख सकते हो, ये एक बहुत ही मेरे को फनी चीज लगी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देनी चाहिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और नई चीज गेम के अंदर ऐड हुई है, जो कि है भाई डबल यूएसपी। मतलब गाइस पहले क्या होता था, पहले एक बार मतलब अपने गेम के अंदर पहले डबल वेक्टर आई थी, उसके अंदर यहाँ पे आप लोग दो वेक्टर एक साथ चला सकते थे। अभी गाइस यहाँ पे जो अपना यूएसपी जो पिस्टल है वैसा गाइस आ गया है इधर पे डबल यूएसपी, मतलब आप दो दो पिस्टल एक साथ चला पाओगे। एंड लिटरली गाइस मैंने ट्राई करके देखा, बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले हेड लगते हैं डबल यूएसपी से। लेकिन यार बढ़िया बात यह है कि डबल यूएसपी को क्लैश कोड के अंदर ऐड नहीं किया गया है, उसको सिर्फ मतलब क्लासिक मैचेस के अंदर डाला जाएगा। भाई मैं तो सोच रहा हूँ अगर एक दो अपडेट के बाद गरेना वाले डबल M1887 एंड डबल MP40 लेके आ जाए तो भाई गेम का क्या हाल होगा भाई। इसके अलावा इस बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे जो अपना मतलब मैजिक क्यूब स्टोर है वो दिखाओ भाई, यहाँ का एडवांस सर्वर का मैजिक क्यूब स्टोर कैसा है। तो यहाँ का गाइस जो मैजिक क्यूब स्टोर है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गाइस बहुत सारे तगड़े तगड़े बंडल्स डले हुए हैं, जैसे यार यहाँ पे आर्कटिक ब्लू है, ब्रेक डांसर बंडल है। एंड बहुत सारे बंदे कंफ्यूज्ड हैं कि भाई क्या ये सेम टू सेम बंडल्स अपने इंडियन सर्वर के अंदर भी आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो गाइस इसका एक सीधा सा साफ सा आंसर ये है कि भाई आपको अपने इंडियन सर्वर के अंदर ये वाला मैजिक क्यूब स्टोर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपना एडवांस सर्वर है वो इंडिया के सर्वर के ऊपर नहीं चलता, वो इंडोनेशिया के सर्वर के ऊपर चलता है। तो ये जो मैजिक क्यूब का स्टोर है ये इंडोनेशिया के सर्वर का है, ना कि अपने इंडियन सर्वर का। तो भूल जाओ कि आपको ये इंडियन सर्वर के अंदर भी देखने को मिलेंगी। सो गाइस ये थे भाई कुछ अपडेट्स जो कि आपको अपने न्यू अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इस वाले वीडियो के अंदर गाइस मैं सारे के सारे अपडेट्स आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि यार यहाँ पे मेरी जो वीडियोस होती हैं वो रहती हैं 7 से 8 मिनट की। एंड अगर मैं सारे अपडेट्स इसी वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी के जो अपडेट्स हैं वो आपको आने वाली वीडियोस के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर आएंगी। बाकी यार दोपहर को 2 या 3 बजे के आसपास मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, जिसके अंदर गाइस आपको मतलब जो जो आप लोग मेरे को कमेंट में बोलते हो कि भाई ये चीज दिखाओ एडवांस सर्वर के अंदर, वो मैं आपको भाई लाइव स्ट्रीम के अंदर दिखाता हूँ। तो आज फिर से हम 2:30 या फिर 3 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने इसी वाले चैनल पे, तो भाई लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो के लिए बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब यार जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि सारे के सारे न्यू अपडेट्स एंड इवेंट्स के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब यार जरूर से जरूर कर लेना मेरे भाई, अभी हम 9 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो जल्दी से 9 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अगर हो सके तो। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Listen.